आगे बढ़ते हैं। निम्स यूनिवर्सिटी में सेमिनार का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित सेमिनार के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। सेमिनार के मुख्य वक्ता इंटरनेशनल बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर आरफीन खान ने युवाओं को शिक्षा और करियर से जुड़े मुद्दों पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों से आए युवाओं को करियर काउंसलिंग की ज्यादा आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि आज के युग में युवाओं को मार्गदर्शन और करियर में सफलता के लिए काउंसलिंग की काफी आवश्यकता है। डॉक्टर पंकज ने आगे कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहिए। गांव में और शहर में एक बड़ा अंतर आ रहा है, इसको समझने की जरूरत है। जो अपर कास्ट के बच्चे हैं, एक अपर कास्ट का बच्चा गांव में रह रहा है, वो फर्स्ट जनरेशन में पढ़ने आ रहा है, डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, और उसी अपर कास्ट का सिटी में रहने वाला बच्चा वो सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन का। सो फॉर एग्जाम्पल जयपुर में देयर विल बी नंबर ऑफ फैमिलीज फ्रॉम अपर कास्ट आर सेकेंड गेट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन इन एजुकेशन लिए हुए। इफ यू गो टू मेट्रो बॉम्बे एंड दिल्ली एंड ऑल दिस थिंग, दिल्ली फोर्थ जनरेशन जो जिनके बच्चे आज की डेट में अपर कास्ट के पढ़ रहे लिख रहे हैं। अब जब जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी तो कॉम्पिटिशन क्या होगा? एक बच्चा जो गांव का और एक बच्चा शहर का सेम बैकग्राउंड का, इट विल ऑलवेज हैव डिस्प्यूट। हिंदुस्तान सौभाग्यवश एक ऐसा देश बन चुका है कि जहां पर युवाओं की एक सबसे बड़ी तादाद पूरे विश्व में है, और ये युवा ही जो है किसी भी देश की दिशा और दशा को निर्धारित करते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि जो युवा जो आज देश के दिल की धड़कन बने हैं वो कल देश की जो है भविष्य भी बने। तो बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पे आप पधारें, और जो अरफीन खान जी हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं लोगों को। जो एक बच्चों में आजकल डिप्रेशन की देखी जा रही है चीज़ें, और ख़ासतौर पे मैं देखता हूँ कि कई युवा जो है नशे के शिकार भी हो जाते हैं, इसके चलते कई बार देखता हूँ कि सुसाइड जैसे एक एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लेते हैं बच्चे, तो उनको समय पर समझाना हमारा फ़र्ज बनता है।